गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेस्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है द चैंपियंस सेल। यहाँ पर टेस्ट बुक का जो ईयरली पास होता है जिसमें आप लोगों को लगभग 800 भर्तियों के 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, उस ईयरली पास की जो कीमत है वो मात्र 439 रुपये कर दी गई है। अगर इसमें भी आप लोग एक कोड लगा देते हैं परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को 12% की इसमें और छूट मिल जाती है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट का टेस्ट बुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और 12 से अधिक भाषाओं में आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है, तो आप लोग जाकर के अपना जो एग्जाम है वो उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए ये स्टेट एग्जाम को मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश वाला है, तो उत्तर प्रदेश को जैसे आप क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो भी भर्तियां हैं जैसे TGT लेक्चरर वगैरह LT ग्रेड सभी भर्तियों के जो मॉक टेस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और इसमें भाग ले सकेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसके बाद में शिक्षक सेवा चयन आयोग। यहाँ पर देखिए लिखा है UPSC की जून और जुलाई में होंगी कई प्रमुख भर्ती परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरक्षित तिथियों में करा सकता है स्थगित परीक्षाएं। देखिए ये केवल सकने वाली बात है, करा सकता है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। और ये जो न्यूज है छपी है पूरी गलत है, दोनों न्यूज गलत है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो न्यूज है कि कब एग्जाम होंगे और PCS और RO के बारे में जो दी है, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चुनाव के बाद जून और जुलाई में कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं कराने जा रहा है। वहीं नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जुलाई और अगस्त में 2 साल से लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियों की तैयारी शुरू करने की तैयारी में है। तो ना तो जुलाई और अगस्त में आपकी TGT PGT परीक्षा हो रही है और ना ही PCS वाली परीक्षा। PCS वाली परीक्षा आपकी जो जानकारी निकल करके आ रही है कि अक्टूबर में जा रही है और जो TGT PGT की का जो एग्जाम है वो अक्टूबर या नवंबर के महीने में जा रहा है, संभावना है। इतनी जल्दी एग्जाम नहीं होगा, जो तारीखें इसमें दी गई हैं जून जुलाई में ही बात की गई है, जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत सारा जो काम है वो लंबित है। तो कोई भी छात्र जो है वो भ्रमित बिल्कुल भी ना हो, ये किसी भी अधिकारी का या कैसे भी है जो भी है वो ऑफिशियल बयान नहीं है। ये बार बार जून जुलाई लेकर के आ रहा है 2-3 दिन से, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज हो गए और कमेंट भी अक्सर करते रहते हैं, फोन भी करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के 4,163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। नया आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जुलाई या अगस्त में परीक्षा कराने की तैयारी में है। इस बीच TGT PGT की परीक्षा तिथि भी घोषित की जा सकती है। ये हो सकता है कि एग्जाम डेट घोषित कर दी जाए, ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये जून या जुलाई में आपकी TGT PGT का जो एग्जाम है वो नहीं हो रहा है। वहीं पर यहाँ पर बार बार पी जो है RO या RO PCS वगैरह के बारे में भी लिखा हुआ है और जानकारी यही दी जा रही है जो पता करने की कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चुनाव बाद बहुत जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा। जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर है वो आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाएगा और जो PCS का जो एग्ज़ाम है और RO का एग्ज़ाम है इसमें अभी आप लोगों को कम से कम 3-4 महीने का समय आपको दिया जाएगा। जहाँ तक PCS की बात है तो जो जानकारी मिल रही है कि अक्टूबर के 1st वीक या 2nd वीक में एग्जाम PCS का हो सकता है प्री का, और मेंस आपका फरवरी में हो सकता है। RO की अगर हम लोग बात करें समीक्षा अधिकारी की, तो जो 3rd सप्ताह है नवंबर का उसमें आपकी RO की परीक्षा हो सकती है और मेंस के लिए अभी उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, मेंस थोड़ी देरी हो सकती है। तो अक्टूबर का 1st या 2nd वीक PCS और नवंबर में आपका RO का जो एग्जाम है वो हो सकता है, ये आप संभावित डेट मान लीजिए और इसी को टारगेट करके मैं पहले से ही कहता आपको आ रहा हूँ, तो चाहे कैलेंडर जारी करें या ये लोग कैलेंडर जारी ना करें, नोटिस भूल जाइए। और ये छात्रों को परेशान करने के लिए केवल नोटिस रोकी जा रही है और कोई बात नहीं, क्योंकि छात्रों ने आंदोलन किया था। और हम अब बात कर लेते हैं, अभी एक और सूचना है लोक सेवा आयोग की, अभी हम बात करेंगे यही भर्ती की। माध्यमिक में सृजित होंगे कंप्यूटर शिक्षक के पद। लिखा है कि इस दौर में कंप्यूटर शिक्षा सबके लिए जरूरी हो गई है, लेकिन माध्यमिक, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी विद्यार्थी वीडियो को स्किप ना करें, बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना छूट जाती हैं और बार बार पूछते हैं, जबकि सारी सूचना मैं बार बार हर वीडियो में देता हूं, रिपीट भी करता हूं तब भी, इसलिए आप लोग वीडियो को भगा करके बिल्कुल भी ना देखें। यहां पर देखिए लिखा है कि इस दौर में कंप्यूटर शिक्षा सबके लिए जरूरी हो गई है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक का पद सृजित नहीं है। जो TGT PGT की वैकेंसी आती है ना उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर शिक्षक का पद नहीं है, जबकि UP बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट है ना, आश्चर्य की बात, यही है UP।
लिखा शिक्षक के पद सृजित न होने से अस्थायी शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों पद पद सृजन पर शासन निर्णय हो सकता है। हाई स्कूल और इंटर में कंप्यूटर वैकल्पिक विषय है। रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए बच्चे इस विषय को ले रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक सीबीएसई बोर्ड में कंप्यूटर पढ़ाया जाता है प्रेप में, अच्छा एक में, फर्स्ट में, सेकेंड में कंप्यूटर है भैया, ये तो भूल जाओ। लेकिन यूपी बोर्ड के विद्यालयों में ऐसा नहीं है, ये 2G में चल रहा है। जब दुनिया 6G में चल रही है ना, तो यूपी बोर्ड ये 2G में चल रहा है। प्रदेश भर में 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं। शिक्षकों की मांग को देखते हुए नवंबर 2023 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित कर भर्ती कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। विद्यार्थियों ने इसके लिए आंदोलन भी किया था, कई बार जो है प्रदर्शन भी किया है, ज्ञापन भी दिया है। मैंने भी इस पर बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, और कई राज्यों में होता भी है। और LT में भी वैकेंसी आई थी जब, तब उसमें कंप्यूटर था, लेकिन ये DGT PGT में नहीं होता है। तो आगे यहाँ पर लिखा कि हाई कोर्ट में लंबित एक मामले की सुनवाई के संबंध में आए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने निदेशालय का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पेंशन और सेवा से जुड़े मामलों की फाइलों को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो कंप्यूटर का पद सृजन का जो मामला है, ये जल्द इस पर निर्णय हो सकता है। अगली सूचना फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। आयोग में शुरू हुई राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती की तैयारी, हाँ ये सूचना सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती की तैयारी में जुट गया है। चुनाव के बाद इसको लेकर के कवायद और PCS प्री सहित स्थगित की गई 5 परीक्षाओं की तिथि घोषित करने के बाद आयोग की प्राथमिकता में राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती ही है। आयोग को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मिल चुका है, ऐसे में भर्ती का विज्ञापन भी शीघ्र जारी किया जा सकता है। आयोग ने अपने शैक्षणिक कैलेंडर में जानकारी दी थी कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा आरक्षित तिथियों में कराया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि संशोधित पाठ्यक्रम को शासन मंजूरी मिलने के बाद 268 पदों भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। कृषि की बात हो रही है और इसकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब परीक्षा केंद्र किया जा रहा है। जाहिर है कि शासन से अनुमोदन के बाद ही आयोग ने विज्ञापन जारी किया। ऐसे में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन मिलने की चुनाव खत्म होने के इंतजार कर रहा है। तो यही है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है यही की जो वैकेंसी है राज्य अभियंत्रण सेवा की, जो वैकेंसी वो आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर लिखा है कि जो भेजा गया था वो अनुमोदन वो हो सकता है कि मिल गया हो और चुनाव बाद इसका जो विज्ञापन है जारी कर दिया। अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 11 संगठक कॉलेजों में, जो बहुत सारे महाविद्यालय हैं CMP वगैरह, 478 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चुनाव के बाद शुरू हो जाएगी। गैर शैक्षणिक पदों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार मॉडल रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर भर्ती होनी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मॉडल रिक्रूटमेंट रूल से संबंधित ड्राफ्ट तैयार हो गया है और अब कुलपति के अनुमोदन मिलते ही कॉलेजों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी जाएगी। संगठक कॉलेजों में गैर शैक्षणिक पदों पर राज्य और केंद्र के पदों में समतुल्यीकरण नहीं होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी। तो चुनाव के बाद में इन विद्यालयों में, महाविद्यालयों में आप लोगों को बाबुओं, लिपिकों इत्यादि के जो पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। अगली सूचना TET की है। लिखा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET से प्राथमिक स्तर के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र 27 मई से वितरित होंगे। DIET प्राचार्य राजेंद्र प्रताप ने बताया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से लगभग 35,000 प्रमाण पत्र मिले हैं। वितरण के लिए 5 काउंटर बनाए जाएंगे। कौन कौन से कागज लेकर के जाना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर प्रमाण पत्र लेने के लिए अभ्यर्थियों को हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, BTC, BEd के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, TET के रजिस्ट्रेशन पत्र एवं प्रवेश पत्र, निवास जांच प्रमाण पत्र और 2 फोटो लाना अनिवार्य है। चुनावों में मेन मुद्दा गायब है, आरक्षण का मुद्दा और जाति का मुद्दा, अन्य मुद्दे हावी हैं। लिखा है यूपी में मुस्लिमों का आरक्षण की समीक्षा करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग में के 27% आरक्षण में मुसलमानों को मिल रहे लाभ की सरकार समीक्षा करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के ताजा फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मुद्दे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मत ही अंतिम है, हमें उनकी भावनाओं का पालन करना चाहिए। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने हिंदुस्तान से कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में समीक्षा करेगी कि पिछड़ों के आरक्षण को बचाने के लिए हम कोई ना कोई कदम उठाएंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 2010 से जो OBC के प्रमाण पत्र बने हुए थे पश्चिम बंगाल में, वो रद्द किए गए हैं और कोर्ट ने ये कहा कि इसमें मुसलमानों को कई कैटेगरी में बांट करके OBC आरक्षण ज़्यादा दिया गया है। तो यही चल रहा है आजकल चुनाव में, देख लीजिए। और जानती है जो पार्टियां, वो सब जानती हैं कि लोग किस पर वोट देते हैं, इसीलिए आपका जो नौकरी का मुद्दा है वो धीमा हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।